हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। आज के इस वीडियो में 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और अगर आपने इन प्रश्नों को हल कर लिया तो आपके पेपर में एक या दो क्वेश्चन इसमें से 100% फंसने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी खंभे को कितने सेकंड में या कितने समय में पार कर लेगी। तो आपको बताना है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, यह सवाल है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की, और अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इसका वीडियो मैंने बना दिया है, आप ज़रूर इस चैप्टर को पढ़िए, और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं इस चैप्टर में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं। मैंने इसका फुल वीडियो बनाया है। देखिए, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है, ये मीटर में है, किलोमीटर में, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा, ये जो लंबी है रेलगाड़ी इसको हम दूरी कहते हैं, तो दूरी हमारा जो है 180 मीटर, तो ये फिक्स है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे हम 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो अगर हम 54 × 5/18 करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा, 18 × 3 = 54, 5 × 15 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारी स्पीड है। समय पूछ रहा है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी हमारा कितना है 180, चाल कितना है 15, इसे काटिए, 15 × 9 = 15, 3 बचा, 15 × 2 = 30, यानी 12। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 12 सेकंड में वो रेलगाड़ी उस खंभे को पार कर लेगी। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आप बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। देखिए भाई, 300 रुपये का 5% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर हम आपको बता रहे हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए भाई, इसका उत्तर देखते हैं। ब्याज पूछ रहा है, 300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 सही 1/2 का वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है हमारा 300 रुपये है, दर कितना है 5% है, समय 2 × 4 = 5/2, और बटे में क्या होता है 100, ये 00 कट गया, 5 × 5 = 25 = 75 बटा क्या हो जाएगा 2, और 75/2 मतलब 37 सही 1/2, ठीक, यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 37 सही 1/2 रुपया। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, कह रहा है 400 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। 400 को क्या निकालना है, वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ये तो सिंपल है, 400 का वर्गमूल, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसका खंड करेंगे तो आप खंड करिए 20 × 20 = 20, ठीक। बाकी ये भी हो सकता है, 2 × 4 = 25, 2 × 4 = 25, इसमें 2 का जोड़ा बनाएंगे, 5 का जोड़ा बनाएंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका गुणा कर देंगे, वही हमारा वर्गमूल है। अगला प्रश्न सिंपल क्वेश्चन है, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब विभिन्न अंक क्या होता है, मतलब जिसमें सभी अंक अलग अलग हों, यानी 9, 8, 7, 6, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 379 × 29 = 19,991, तो 10.991/0.029 इसका मान क्या होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 अंक बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10.991 का हो जाएगा 1000, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 4 अंक बाद पॉइंट है, 1, 2, 3, 4 0 होगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, बटे 29। अब क्या होगा भाई, इसमें 1, 2, 3 0 कट गया, 1, 2, 3, 29 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3, 7, 9 बार, और यहाँ 1, 10 है तो 1, 0 बढ़ जाएगा, 3790, यानी आपका
तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर छठा आपके सामने आ रहा है, तैयार हो जाइए। है बहुत सिंपल, कह रहा त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। ऑप्शन है 90, 180, 360, 270। आप बताएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है वह संख्या क्या है जिसका 12 से 1/2% 80 है। जिसका 12 से 1/2% 80 है, बताइए वह नंबर क्या है। अगर आप मान लेते हैं वह संख्या x है तब भी आ जाएगा। तो मान लेते हैं वह संख्या x है तो 80 बटा इसको कर दीजिए डायरेक्ट 12 दूनी 24 1 25/2, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और परसेंटेज नीचे है ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा। 25 चौका 100, 4 दूनी 8 28 64, 640 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 बटे के क्या करेंगे, यही कर देंगे क्योंकि वह संख्या एक्स मानों के मल्टीप्लाई होकर इधर ही आएगा। 25 बटा 2, यहाँ पर 100 हो जाएगा, काट दीजिए 640 आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कह रहा है, दी गई संख्या 6 की घात 7 35 घात 3 11 घात 10 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। तो 6 का क्या मल्टीप्लाई होता है, जी 2 3 6 घात 7, 35 5 7 35 घात कितना 3, 11 होगा खंड नहीं होगा घात 10। तो 2 पर भी घात 7 लगेगी, 3 पर भी घात 7 लगेगी, 5 पर भी घात 3 लगेगी, 7 पर भी घात 3 लगेगी, 11 पर घात 10 लगेगी। अब सभी घातों को जोड़ लेना, 7 प्लस 7 14, 3 प्लस 3 6, और इधर कितना है 10, 14 6 20 10 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये 10 है तो टोटल कितना हो गया 30। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया प्रश्न है, कह रहा वह संख्या कौन सी है छोटी से छोटी जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर विषम संख्या प्राप्त होगी। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर वह विषम संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें क्या हो सकता है, 0 क्या हो सकता है, नहीं, कह रहा किसी सम संख्या में, मान लीजिए सम संख्या कोई 2 है। अब कह रहा जोड़ने या घटाने पर, इसमें कोई भी संख्या जोड़ो या घटाओ, अगर हम 0 जोड़े तो क्या होगा सम, तो क्या विषम आया, नहीं, तो ये 0 जो है नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, अगर हम 4 जोड़े 4 2 6, तो यहाँ कह रहा विषम संख्या, नहीं, 6 विषम संख्या नहीं हो सकती। अगर हम 2 जोड़े तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ये क्या विषम है, नहीं, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा 3, तो बस वही होगा क्योंकि 3 जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो गया 5, और कह रहा घटाने पर, तो अगर मान लो हम ऐसे ही घटाएं, माइनस है कि ये भी विषम संख्या है, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता ये माइनस है या प्लस है, लेकिन ये विषम संख्या है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए भाई इसमें कौन सी संख्याएं और वही क्रम में लिखी हुई हैं। और वही का मतलब होता है घटते हुए क्रम, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखना और वही क्रम कहलाता है। जैसे सभी के इसमें जो अंश हैं वो बराबर हैं, अब सभी के अंश जो बराबर हैं तो हमको हर देखना है कि कैसे हर काम होगा। तो बड़ी क्या होगी, जैसे अंश सभी के बराबर हैं, अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो इसमें 17 का 25 भाग, 17 का 27, 17 का 13, 17 का 19, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जिसका जितना कम भाग किया गया वही सबसे बड़ी संख्या, इसमें टिक भी लगा दिया गया है। तो 19 का देखो, 17 का जो है 13 भाग ही किया गया, तो मतलब ये ज़्यादा, 19 भाग फिर 25 फिर 27, तो जितना जिसका भाग होगा वो संख्याएं उतनी छोटी होंगी। कैसे, क्योंकि जैसे मान लीजिए 17 रुपये, इसमें 13 लोग को ही बांटना है तो ज़्यादा ज़्यादा आएगा, 19 लोग को बांटेंगे थोड़ा सा कम मिलेगा, 25 लोग को बांटेंगे और कम, 27 लोग को बांटेंगे तो और कम मिलेगा। इसलिए जो हर छोटा है वो बड़ा माना जाएगा, ठीक, वो संख्याएं बड़ी मानी जाएंगी। इसका मतलब ये है नहीं, आप सोचो कि छोटा बड़ा क्या बता रहे हैं, इसमें ये है कि जैसे 17 बटा 13, 17 17 सभी का अंश बराबर है, तो भाई जो कम लोग होंगे उन्हीं को ज़्यादा मिलेगा। ठीक, तो यहीं पर आपकी सवालें होती हैं समाप्त, मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।
और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।